लेकिन अम्ब्रेला भूल गई। मेरी प्यारी दोस्त ने बना के भेजा है प्रियंका ने कबीर के लिए। अपना स्विमिंग बैग तैयार करो, सारा सामान स्विमिंग बैग के अंदर रखो। कितना प्यारा लग रहा है यार। तो चले स्कूल। और पापा? हाँ जी। यहाँ पे मट्टी का स्मेल आ रहा है। मट्टी क्या होता है? अंदर सीड्स होते हैं। अच्छा। तो वो स्वीट होता है लेकिन हेल्दी है वो। अच्छा। मट्टी। आप मट्टी बोल रहे हो? हाँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खा सकता हूँ क्योंकि खांसी आ रही है। हाँ, ज़्यादा नहीं खाते हैं। चलो पहुँचते हैं नीचे और बस लेते हैं। तो सेकंड बस की वेट हो रही है ना? देखो पिजन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नए दिन में और एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। वेल, सुबह की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, बट हाँ, हम लोग अभी मिल रहे हैं और मैंने अपनी एक्सरसाइज, योगा, जो भी थोड़ा बहुत मुझे करना था, जो मैंने फाइनली शुरू किया है उसको आगे निभाते हुए वो मैंने कर लिया है। तो जो भी थोड़ा बहुत मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। और आज है वेडनेसडे और आज कबीर का होता है हाफ डे। जा रही हूँ कबीर को लेने के लिए। मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। और शोल्डर मेरा अभी काफी ठीक है, 2 दिन हो गए हैं, तो मतलब मुझे बेटर फील हो रहा है क्योंकि शायद मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ इसी वजह से। जो सब लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज से बहुत फर्क पड़ता है, तो हाँ, मुझे फर्क पड़ रहा है। और पेन मुझे हो रहा है, जब मैं लेटती हूँ ना तब मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, तो मतलब वो है, पेन है बट फर्क भी काफी पड़ रहा है। मैं और बाकी यार एक्सरसाइज करके ना मैं अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव, तो मुझे अंदर से फील हो रहा है कि हाँ, थोड़ा सा वो एक्टिवनेस आ रही है। तो फिंगर क्रॉस इस वाले रूटीन को मैं फॉलो करती रहूंगी, आगे बना के रखूंगी। बस ये मेरा टूटे ना, वीकेंड का डर होता है। अगर वीकेंड पे टूट गया ना फिर उसको दोबारा से वापस लेना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज कबीर को विक्रांत ही छोड़ने गए थे स्कूल। आज मैं गई ही नहीं, तो जैसे मैं कल भी नहीं गई थी आज भी नहीं गई। आज भी थोड़ा सा वो रेस्ट वाला मूड चल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फर्क भी पड़ रहा है। तो बस अभी टाइम हो गया, अलेक्सा 2 बार बज चुकी हैं, 2 बार उन्होंने अलार्म दे दिया है कि जाइए कबीर को लेकर आइए, टाइम टू पिकअप। तो बस अब जाती हूँ कबीर को लेने के लिए स्कूल। वर्क फ्रॉम होम, फिर मिलती हूँ। तो जी मैं पहुँच तो गई कबीर को लेने। और एक्चुअली क्या हो रहा है, बसेस ना कुछ जल्दी आ रही हैं, कुछ लेट हो जा रही हैं बारिश की वजह से। और पूरा हफ्ता बारिश है। मैं पहुंच तो गई हूँ लेकिन अम्ब्रेला भूल गई। जनरली अम्ब्रेला हमेशा मेरे बैग में होता है और वो कल विक्रांत आए थे लेने और उन्होंने वो साइड में सुखाने के लिए रख दिया था, वो वहीं रखा रह गया और मैं जल्दी जल्दी में भूल गई। तो भाई आज तो भीगते हुए जाना पड़ेगा, या देखती हूँ जाते हुए कैब करती हूँ, क्या हिसाब रहता है। और अभी भी मैं बहुत जल्दी पहुँच गई हूँ, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट पहले पहुँच गई हूँ मैं। तो अभी जाके खड़ी होती हूँ वहाँ पर और वेट करती हूँ। तो बस यार देखते हैं, यहाँ के मौसम का ना कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। बट अभी तो पूरा हफ्ता बारिश दिखाई हुई थी, तो यहाँ तो मेरी गलती हो गई है कि मैं अम्ब्रेला ने ध्यान नहीं दिया रखना। तो कोई नहीं, अब गलती करिए तो हर्जाना तो भरना पड़ेगा। तो जाते हैं और लेके आते हैं कबीर को और फिर मिलती हूँ, देखती हूँ किस तरीके से जाऊँगी, फिर अपडेट करूँगी आपको। बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई है, ये रहा कबीर। तो हल्की बारिश हो गई है। कल कैब के लिए बहुत वेट करना पड़ा था विक्रांत को और आज भी बहुत टाइम दिखा रही थी, तो हमने कहा भागते हैं, फटाफट से लेते हैं बस, पहुंचते हैं घर। तो अच्छा रहा उसका दिन, बोल रहा है। अब घर जाती हूँ, सैंडविच उसके बैग में मैं एक ना सुबह ही डाल देती हूँ ताकि हम इस समय जाते हुए खा लें, मतलब ये खा लें इस समय। तो बस इस समय उसको दूँगी सैंडविच, वो खाएगा और अपन जाते हैं घर। देखो कितनी देर में आ रही है, देखो कितनी देर में आ रही है, जाके चेक करो। फटाफट आए तो बस मिल गई, लेकिन 5-7 मिनट वेट करना पड़ा बट मिल गई बस। अब होपफुली आगे वाली बस भी जल्दी से मिल जाए तो बच जाएंगे बारिश से। ओके चलो घर जाते हैं, पता नहीं विक्रांत वहाँ पे क्या कर रहे हैं। उनको बोला था मैंने एग बॉईल करने के लिए कि एग बॉईल कर लो अपने लिए, तो देखते हैं उन्होंने क्या खाया होगा, घर जाके पता चलेगा क्या खाया होगा पापा ने। चलो सुची हम आ गए थे घर। ये है पास्ता, मेरी प्यारी दोस्त ने बना के भेजा है प्रियंका ने कबीर के लिए। इवन उसने कल खाना भी बना के भेजा था क्योंकि मेरे हाथ में दर्द था। तो कहते ना खुशनसीब होते हैं जिन्हें इतने प्यारे लोग मिलते हैं जीवन में, तो थैंक यू जानेमन। तो अभी मैं देती हूँ कबीर को फटाफट से। और ये बहुत यम्मी है, इस पास्ता बहुत टेस्टी बनाती है यार ये, सीरियसली खाना तो सारे टेस्टी बनाती है, वैसे गाजियाबादी हैं भाई। तो मैं फटाफट से कबीर को देती हूँ क्योंकि एक हाथ से दे नहीं पा रही हूँ, और फिर ये खाते हैं देन आपसे मिलते हैं। अपना स्विमिंग बैग तैयार करो, सारा सामान स्विमिंग बैग के अंदर रखो और चेक करो उसमें गॉगल्स वगैरह आपके पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। Okay, hide my bag. I will show you what inside you guys. This is the cap for swimming. This is the sauce for swimming. And this is the child when we go outside and here. Kabir, फटाफट से रखो और बात लेने चलो। अपना स्विमिंग बैग रखो बेटू। थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि कबीर आया था तो वहाँ बारिश में ना थोड़ा सा भीग भाग सा गया था, तो उस समय मैंने इसको नहीं नहलाया। बट हाँ अब ये नहाने के लिए जाएगा, बाथ लेगा। थोड़ी धूप निकल गई थी तो मौसम फिर भी ठीक हो गया था, तो इट्स बेटर कि अभी वैसे फटाफट से बात दिला दूं। वैक्यूम वगैरह किया है। एक्चुअली सुबह क्या हुआ था, हाँ शायद मैंने बताया नहीं, मेरा जो इंटीग्रेशन वाली क्लास चल रही है ना मेरी, तो उसका असाइनमेंट का कुछ पंगा हो गया था। असाइनमेंट का क्या पंगा हो गया था कि मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी थी, बट सुबह सुबह मुझे मेल आती है 6 बजे कि आपके असाइनमेंट जो है सबमिट ही नहीं हुआ है, पेंडिंग है। तो मैं सुबह से उसमें लगी हुई थी, तो मैं उठ के फटाफट से, इसीलिए मैं गई भी नहीं। और पेन तो था ही, वो भी था एक फैक्टर, बट वो असाइनमेंट सबमिट करने थे मुझे क्योंकि वो बहुत जरूरी है, वरना वहां पे वो अटेंडेंस मार्क नहीं करती। तो इसलिए मैंने फटाफट चढ़ के, पहले वो 3 असाइनमेंट थे, वो तीनों असाइनमेंट दोबारा करे 1 घंटे के अंदर। डिनर की तैयारी हो चुकी है, आधी तैयारी हो चुकी है, मतलब राजमा बनाए, राजमा बन चुके हैं, राइस बनाने हैं। तो बस इसको नहला के, खुद नहा के फिर राइस बनाते हैं। टाइम वैसे हो रहा है 7:30 का, 7:30 का टाइम हो रहा है। तो चलो पहले फटाफट से बात लेते हैं और फिर मिलते हैं। सोचिए फैमिली, इनका तो नहाना हो गया, मैं फटाफट से नहाती हूँ। मैंने ना सर में मास्क लगा लिया था, तो अब मैं नहाती हूँ। क्या कर रहे हो ये कबीर? अच्छे से कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैं मामा कर तो रहे हैं, जब बड़े हो जाओगे फिर करना, ठीक है? प्लीज मुझे पता है, आई नो हाउ टू कॉम। ओके द नेक्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग आई कैन कॉम। ओके ये जी हमारा तो ये प्रिंस हो गया है तैयार, अब हम जाते हैं फिर मिलते। सुची हो गया है नाना और एकदम फ्रेश फील हो रहा है। और ये जो आप ऑरेंज देख रहे हो ना, ये मैं दिखाती हूँ आपको सनसेट। मतलब कोई कह सकता है सुबह बारिश में भीग कर आए और अभी क्या हाल है, लिटरली ये वाला कलर हो रखा है। मैं दिखाती हूँ खूबसूरत सा सनसेट। चिड़िया ऐसे बोल रही है जैसे सुबह सुबह बोलती है। वो देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, कलर्स देखो यार, आप कलर्स सो ब्यूटीफुल। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हमें नज़ारे दिख जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा। नीचे ट्रैम आ रही है, कहाँ से आ रही है ट्रैम? आवाज़ तो आ रही थी मुझे, नहीं ट्रैम नहीं आ रही, कहीं प्लेन व्लेन आ रहा होगा ऊपर। तो जी खाना हो गया है तैयार। ये रहे राजमा, ठीक है, राजमा है तैयार। इधर राइस, कबीर ने खाना खा लिया है। चलो अब हमारी बारी है खाना खाने की, तो खाना खाते हैं। पूरी टॉयलेटरीज खत्म हो रही है घर की, क्योंकि ये जो दो, ये देखो ये बैठ के अपने व्लॉग्स चेक कर रहे हैं। मुझे को लगाया, देखो मैं वापस जाऊंगा। ये गेम है। वो हट गया आपका एक्टिव प्लान, क्योंकि आप उसकी रेडियार से बाहर चले गए। और बताइए कैसा रहा आपका डिनर? एकदम मस्त, राजमा चावल अच्छे बने थे यार आज तो। अरे मम्मा, जब मुझे लगता है ना कि मेरा ठीक हो गया है, ये फिर ऐसे हो जाता है कि नहीं तुम ठीक नहीं हो। याद करवाता हूं, तुम्हें रेस्ट चाहिए, तुम्हारे पतिदेव खाना बनाए तुम्हारे लिए, ऐसा रेस्ट चाहिए तुम्हें। ज्यादा नहीं बोल रहा ये कंदा, नहीं इतनी सी सिफारिश। कंदा होते हुए इतना कुछ बोल गया वो। किसका है ये तो देखो ना, मुद्दा वो है। जिसका है वो बहुत कुछ बोल सकता है, पता है। अभी तो एक ही बोल रहा, साथ वाला बोलेगा तो खतरनाक हो जाएगा। अरे यार, कल जाना है ऑफिस, कल ऑफिस जाना है मुझे, कबीर को स्कूल जाना है, और मुझे स्कूल छोड़कर जल्दी भागकर आना है क्योंकि मेरी इंटीग्रेशन क्लास है। तो टाइम हो चुका है 10। तो कल आधा दिन तो यार मेरा इंटीग्रेशन में ही खत्म हो जाएगा। सीरियसली बहुत मुझे लेट व्लॉग शुरू करना पड़ेगा, तो कोई नहीं, चलो देखते हैं। बीच में अगर ब्रेक मिलेगा तो देन मैं आपसे बात करती रहूँगी और अपडेट देती रहूँगी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड। शुभरात्रि करने का वक्त आ गया है। आज सनसेट बहुत ही प्यारा हुआ था, है ना? बहुत प्यारा था। एक्चुअली बारिश हुई है 2 दिन से, कल भी पूरा दिन बारिश हुई, आज भी हुई, बट शाम आते आते हल्का सा सूरज निकल आया, हल्की सी झलक देके गया, दे तो गया काफी वैसे। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड। कल मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके? और कमेंट भी कर नहीं रहे हो आप लोग, कर दो यार। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।